नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपको टुडेस के हमारे न्यूज़ कार्यक्रम में। और जो अभी अभी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है महाराष्ट्र से, वो ये कि जांच एजेंसियों को कंप्यूटर जांचने की जो इजाज़त दी गई है, उस पर शिवसेना ने कहा है कि देश में मोदी घोषित कर दे इमरजेंसी, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, जांच एजेंसियों को कंप्यूटर जांचने की इजाज़त पर शिवसेना ने कहा है कि देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दे मोदी। मोदी सरकार द्वारा जांच एजेंसियों की किसी भी कंप्यूटर जांचने की इजाज़त देने पर शिवसेना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा है कि मोदी जी को देश में अब आपातकाल की घोषणा कर देनी चाहिए। मोदी जी के इस उनका जो डिसीजन था कि जांच एजेंसियों को जो उन्होंने जो अलाउ दिया है, जो परमिशन दिया है किसी भी कंप्यूटर को जांच करने का, इससे ना सिर्फ शिवसेना बल्कि कांग्रेस और बाकी कई अदर जो विपक्ष वाले हैं, अपोजिशन है, वो लगातार हमले बोल रही है। आपको बता दें, इस अनुमति के बाद, इस नए परमिशन के बाद जांच एजेंसी के पास ये पावर आ गया है कि वो किसी भी कंप्यूटर को जांच कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। कुछ लोगों का इस पे लोग काफ़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। वहीं पे कुछ लोगों का मानना है कि ये सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा कदम लिया गया है मोदी सरकार द्वारा। आपकी क्या राय है? अगर आप इस बारे में, आपकी कोई पर्सनल राय है, आपको लगता है ये अच्छा है या बुरा है, तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे ब्रेक के बाद एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग टुडेज़ फॉर मोर न्यूज़। Thank you so much for watching today's.